जी ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास फाइव का लास्ट पार्ट है, टेन है, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टेन है जी, टू ए प्लस टू बी, टू ए प्लस टू बी, टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू टू इंटू, ये कॉमन अगर मैं टू लेता हूँ तो ए प्लस बी करना पड़ेगा, तो ये लेफ्ट और राइट हम इक्वल करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है जी टू ए प्लस का 2b, ये मेरे पास है लेफ्ट साइड। क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स पुट कर लेंगे 2, a इज 1 2 3 2 3 1 और लास्ट पे 1 माइनस 1 एंड 0, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, b इज 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3, ठीक है। सबसे पहले क्या इन दोनों को प्लस करेंगे हम, नहीं, ब्रैकेट है मैट्रिक्स की, टू मल्टीप्लाई हो रहा है सेम एज इट इज, सबसे पहले हम टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टू मल्टीप्लाई वन टू, टू मल्टीप्लाई टू फोर, टू मल्टीप्लाई थ्री इज सिक्स, टू मल्टीप्लाई टू इज फोर, टू मल्टीप्लाई थ्री इज सिक्स, टू मल्टीप्लाई वन टू, टू मल्टीप्लाई वन टू, टू मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस टू, टू मल्टीप्लाई जीरो इज जीरो, क्योंकि जीरो जिससे मल्टीप्लाई होता है आंसर वो जीरो ही देगा। टू मल्टीप्लाई वन टू, टू मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस टू, टू मल्टीप्लाई वन टू, टू मल्टीप्लाई टू फोर, टू मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस फोर, टू मल्टीप्लाई टू इज फोर, टू मल्टीप्लाई थ्री जब करेंगे सिक्स, टू मल्टीप्लाई वन टू होगा और टू मल्टीप्लाई थ्री इज सिक्स। इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, टू से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड का क्या मेथड होगा, रो को रो के साथ, रो को रो के साथ, देन लास्ट रो के साथ, ना कि रो को कॉलम के साथ आपस में प्लस करना है। सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इसके साथ प्लस कर लेते हैं, इसको इसके साथ प्लस कर लेते हैं, इसको इससे प्लस कर लेते हैं, ये मेथड एडिशन का नहीं है, बल्कि रो को रो के साथ ही किया जाता है। तो टू प्लस टू आंसर इज फोर, फोर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फोर माइनस टू टू, सिक्स प्लस टू, सिक्स प्लस टू आंसर एट, फोर प्लस फोर आंसर एट, सिक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिक्स माइनस फोर आंसर टू, टू प्लस टू आंसर इज सिक्स, टू प्लस सिक्स इज एट, माइनस टू और प्लस टू आंसर जीरो, जीरो प्लस सिक्स आंसर सिक्स। तो इस तरह मैंने ये लेफ्ट साइड को कंप्लीट कर लिए है। अब मेरे पास है जी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ने कहा अगर मैं a को प्लस करूं b से और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो तब भी इसका आंसर सेम एज इट इज ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 सबसे पहले a हम लिखेंगे, अब 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और 0, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, a की जगह पे उसका जो मैट्रिक्स गिवन होगा क्वेश्चन में वो हमने यहां पे पुट किया, प्लस b, b इज 1 माइनस 1 1 टू माइनस टू टू सी वन और थ्री, ये मैट्रिक्स है। फिर हमने देखा कि राइट साइड हमें कहते हैं ए और प्लस बी तो करें लेकिन ब्रैकेट के साथ करें। अब इससे हमने ये साबित किया कि अब इस मैट्रिक्स के साथ टू मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि दोनों को ऐड करने के बाद जो लास्ट पे आंसर आएगा उसको हमने टू से मल्टीप्लाई करना है। तो टू सेम एज इट इज ही रहेगा, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो वही डायरेक्ट मैथड यूज कर रहा हूं मैं, वन प्लस वन आंसर इज टू, टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टू माइनस वन आंसर टू, सॉरी टू माइनस वन आंसर वन, थ्री प्लस वन आंसर फोर, टू प्लस टू आंसर फोर, थ्री प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री में से माइनस टू करेंगे आंसर वन, वन प्लस टू आंसर थ्री, वन प्लस थ्री आंसर फोर, माइनस वन प्लस वन आंसर जीरो, जीरो प्लस थ्री आंसर थ्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टू को इस मैट्रिक्स कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू मल्टीप्लाई टू इज फोर, टू मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई वन टू, टू मल्टीप्लाई फोर एट, टू मल्टीप्लाई फोर एट, टू मल्टीप्लाई वन टू, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स, टू मल्टीप्लाई फोर एट, टू जीरो जीरो, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स। इस तरह हमने ये राइट साइड भी कंप्लीट कर ली है। अब हम चेक करेंगे कि आया लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो हम यहाँ से इजिली चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास लेफ्ट और राइट इक्वल होगा तो मेरा ये पार्ट ठीक होगा, यानी पेपर में भी आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपका लेफ्ट और राइट इक्वल है तो इजिली आप अंदाजा कर लेंगे कि आपके मार्क्स कंप्लीट आएंगे जब यहाँ पे प्रूव होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, लेफ्ट का आंसर है जी फोर टू एट,
8 2 6 है 8 2 6 है 8 2 6 है 8 0 6 8 0 6 देखिए लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल है तो हम कह सकते हैं जी हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमने आज के क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिए हैं।